लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया और यूएस की स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आईसीवीज की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिस्कशंस एडवांस स्टेज में हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर स्ट्राइकर आईसीवी को 3 स्टेजेस में प्रोक्योर किया जाएगा। पहली स्टेज में इंडिया स्ट्राइकर की लिमिटेड यूनिट्स को ऑफ द शेल्फ डायरेक्टली अमेरिका से प्रोक्योर करेगा। सेकेंड स्टेज में इंडिया में ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड लास्ट में स्ट्राइकर के फ्यूचरिस्टिक आर्मर्ड वर्जन्स की को डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए अपने इस 8 व्हील्ड आईसीवी की डेमोंस्ट्रेशन इंडिया को ऑफर कर चुका है और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा यूएसए की प्रपोजल को एग्जामिन किया जा रहा है। स्ट्राइकर डील को कितनी जल्दी फाइनलाइज किया जाता है ये डिपेंड करता है स्ट्राइकर की इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने पर और इसके साथ ही हाई लेवल ऑफ इंडिजनाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स भी बहुत क्रूशल होंगे। नाउ अगर स्ट्राइकर प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जाता है तो करंट इंडियन कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखा जाएगा। स्ट्राइकर को इंडियन टेरेन जैसे कि लद्दाख और सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में परफॉर्म करने के लिए कस्टमाइज़ किया जाएगा। इंडियन आर्मी के पास करीब 2000 रशियन ओरिजिन BMP-2 ICBs हैं जिनको सारथ कहा जाता है और फ्यूचर में इनकी रिप्लेसमेंट के लिए ही आर्मी नए ICBs को कंसिडर कर रही है। नाउ इस प्रोजेक्ट पर कई सवाल खड़े होते हैं जैसे कि फ्यूचरिस्टिक ICV को हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेट करने के अकॉर्डिंगली कंसिडर किया जाएगा। सो क्या इनिशियल ऑफ द शेल्फ परचेजेस में स्ट्राइकर को विदाउट मॉडिफिकेशंस प्रोक्योर किया जाएगा या अगर मॉडिफिकेशंस की जाएंगी तो क्या वो डिलीवरी से पहले यूएसए में होंगी या फिर उसकी टाइमलाइंस क्या होंगी। दूसरा, स्ट्राइकर में कैटरपिलर का 350 हॉर्स पावर इंजन यूज़ किया गया है जो कि माउंटेन्स में हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में डिप्लॉयमेंट के लिए अंडर पावर होगा। सो क्या ऑफ द शेल्फ परचेजेस में मोर पावरफुल इंजन को भी यूएसए में ही फिट किया जाएगा। तीसरा, क्या आर्मी की BMP-2 ICBs की एग्जिस्टिंग फ्लीट इमीडिएट रिप्लेसमेंट फेस में है कि स्ट्राइकर की ऑफ द शेल्फ इंपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आर्मी को एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए ICBs की ज़रूरत है और स्ट्राइकर एम्फीबियस नहीं है। सो क्या जॉइंट प्रोडक्शन स्टेज में स्ट्राइकर को एम्फीबियस ऑपरेशंस के लिए भी मॉडिफाई किया जाएगा। इसके बाद क्या US इंडिया को 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और को प्रोडक्शन में इंडिजिनस कंटेंट की कितनी परसेंटेज रहने वाली है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंडिया में फ्यूचरिस्टिक ICVs की चल रही इंडिजिनस डेवलपमेंट पर क्या असर डालेगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स और DRDO द्वारा जॉइंटली एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है टाटा कैस्ट्रल और इसको पहली बार 2014 की डिफेंस एक्सपो में अनवील किया गया था। कैस्ट्रल एक 8 व्हील्ड एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है और हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के दौरान इसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रही थी। अक्टूबर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैस्ट्रल की प्रोडक्शन को क्लियरेंस दी थी जिसके पहले बैच को अप्रैल 2022 में आर्मी में इंडक्ट किया गया। कैस्ट्रल की पावर टू वेट रेशो है 25 और स्ट्राइकर की है 17। कैस्ट्रल का वेट है 24.5 टन्स और स्ट्राइकर का 20.3 टन्स बट कैस्ट्रल की बेटर पावर टू वेट रेशो के कारण यह डिफ़िकल्ट टेरेंस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और तो और स्ट्राइकर करीब 2 डेकेड से भी ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट है और इसके ऑपरेशंस के दौरान कई तरह के इश्यूज सामने आए हैं जिसमें इनसफिशिएंट आर्मर, व्हील डिज़ाइन की वजह से मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, मैलफंक्शनिंग कंप्यूटर सिस्टम और लिमिटेड ऑफ रोड मोबिलिटी जैसे इश्यूज हैं। कुछ एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्राइकर की डिज़ाइनिंग डायरेक्ट असॉल्ट और एनिमी आर्मर को एंगेज करने के लिए नहीं है, मतलब टिपिकल कॉम्बैट सिचुएशन के लिए 100% इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद जैसे हमने बात की कि स्ट्राइकर हाई एल्टीट्यूड के लिए भी सूटेबल नहीं है और ना ही ये एम्फीबियस है। सो सवाल ये है कि जब ऑलरेडी हमारे पास इंडिजिनस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की ऑप्शन है तो इम्पोर्ट या जॉइंट प्रोडक्शन की क्या ज़रूरत पड़ रही है। क्या ये यूएस के प्रेशर या पॉलिटिकल कंसीडरेशंस की वजह से है और हमें ये ऑन द फेस पता है कि बिना कस्टमाइजेशंस के स्ट्राइकर को इंडियन आर्मी में इंडक्ट नहीं किया जा सकता और बहुत सारे डिज़ाइन और टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। दूसरी ओर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स में हम जब चाहें रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली फर्दर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो स्ट्राइकर के लिए यूएसए के साथ डिस्कशंस को इनिशिएट करने का स्टेप ही एक रॉन्ग डिसीजन है क्योंकि ये डिसीजन टाटा कैस्ट्रल को डेवलप करने के एफर्ट्स और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दोनों के ऑपोजिट है। 1990s में जब इंडिया का LCA प्रोग्राम इनिशियल स्टेज में था तो उस टाइम भी यूएसए ने अपने F-21 फाइटर जेट की एंटायर प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में एस्टेब्लिश करने का ऑफर दिया था ताकि इंडिया के इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम को थ्रॉटल किया जा सके।
सो क्या गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिकन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को प्रोक्योर करेगी या फिर इंडिजिनस ऑप्शंस को ही कंसीडर करेगी?